हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका फोन ओवरहीट होता है ना, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का फाइल का ऐप ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ये ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, सिस्टम ऐप पर टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे आना है, नीचे आकर ये एंड्रॉइड सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहां पर आपको ये क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है कि आपके फोन की जो ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस को अगर आप फुल रखेंगे तो इससे भी हमारा फोन ओवरहीट होता है। आपको ब्राइटनेस को उतना ही रखना है जितनी आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप अपने मोबाइल फोन को ज्यादा देर तक यूज करते हैं, मान लीजिए आपने अपने फोन को कंटिन्यू एक दो घंटे यूज करा है और उसके तुरंत बाद अगर आप मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाएंगे तो इससे आपका फोन ओवरहीट होगा। ऐसा नहीं करना है, आपको मोबाइल फोन को ना थोड़ा 15-20 मिनट का रेस्ट देना है, उसके बाद चार्जिंग लगाना, इससे फोन ओवरहीट नहीं होगा। ठीक है, और देखिए खास बात ये ध्यान रखें, गर्मियों का जब भी सीजन होता है ना, गर्मियों के सीजन में हमारा फोन रखे रखे अपने आप ही हीट होने लगता है। तो गर्मियों के सीजन में अपने फोन को ऐसी जगह पर रखना है जहां पे थोड़ी ठंडक हो। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगला काम यह करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब आपको मोबाइल फोन को रीसेट करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना।